दोस्तों ग्रासलैंड के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इनको सेव कर लो और देख के जाना पेपर में। ग्रासलैंड हमारे दो तरह के होते हैं। पहले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां टेम्परेचर ईयर अराउंड वार्म रहता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला सवाना ग्रासलैंड, जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशनल जोन माना जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले कंपोज ग्रासलैंड, जहां हॉर्स कैटल और शीप की रेयरिंग की जाती है, जो अपने मीट और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के लिए फेमस है। और वेनेजुएला में पाए जाने वाला लानोस ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के हमारे एग्जांपल है। दूसरे हैं ट्रॉपिक्स के से हायर लैटिट्यूड पर पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड, जहां वार्म समर और कोल्ड विंटर एक्सपीरियंस की जाती है। अर्जेंटीना में ग्रासलैंड को पंपास नाम से जाना जाता है, और यहां पर एक न्यूट्रिएंट रिच ग्रास पाई जाती है, जिसे अल्फाल्फा भी कहते हैं। पंपास में वीट उगता है, कैटल रेयरिंग भी होती है। यूएसए में ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं, और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट वीट ग्रोइंग रीजंस हैं। इसी तरह हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया में पुस्ताज ग्रासलैंड है वीट प्रोडक्शन के लिए, वो भी बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं, और दोनों ग्रासलैंड शीप और कैटल की रेयरिंग, मेरिनो वूल प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इंड में साउथ अफ्रीका ग्रासलैंड्स को हम वेल्ड और नॉर्थ एशियन ग्रासलैंड को हम स्टिपीज कहते हैं। थैंक यू।